पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने छोड़ी भाजपा, बोले अब किसी और पार्टी से लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हो रही है कार्यकर्ताओं की उपेक्षा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें वैसे वैसे बढ़ती जा रही हैं। पहले बंडा विधानसभा में विद्रोही स्वर तेज हुए, उसके बाद सागर में, अब नरयावली विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता ने पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है, या कहें तो भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सागर जिले की 8 में से अभी तक 7 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिनमें से उन्हें 3 विधानसभा सीटों पर विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। पहले बंडा विधानसभा सीट से रणजोर सिंह बुंदेला ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का साथ अपना लिया। उसके बाद सुधीर यादव ने भी विद्रोही स्वर तेज किए और पार्टी से त्यागपत्र सौंप दिया। इसके बाद अब नरयावली विधानसभा क्षेत्र में भी पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरविंद तोमर ने भी यह कहकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की बिल्कुल भी कदर नहीं हो रही है। उन्होंने यह भी कह दिया है कि अब वह किसी न किसी पार्टी से चुनाव अवश्य लड़ेंगे, और अगर कोई पार्टी टिकट नहीं भी देती तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।